मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को अयोध्या के दौर पर होंगे। वे लगभग 12 बजे जीआईसी के मैदान पहुंचेंगे, जहां मौजूद 50,000 से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री कल निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने जीआईसी के मैदान में 50,000 से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सभी भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सभी भीड़ लेकर जीआईसी के मैदान पहुंचे। इसके साथ ही लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंचेंगे, जहां पर रामकथा पार्क में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। रामायण मेला 4 दिन तक चलेगा, जिसमें फिल्मी दुनिया की नामचीन गायक गायिका अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा भी कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। सीएम योगी रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। ये बहुत उत्साह का विषय है अयोध्या महानगर के लिए और अयोध्या जिले के लिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आगमन कल हमारे महानगर अयोध्या में हो रहा है विभिन्न आयोजनों में। उन सभी आयोजनों में मुझे लगता है कि एक बड़ा आयोजन जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से है, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान पर है दोपहर 12 बजे से। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूरे जनपद के हमारे सभी कार्यकर्ता, जो निकायों के कार्यकर्ता हैं, वह सभी कार्यकर्ता उनको सुनना चाहते हैं, उनके स्वागत में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह जनसभा ऐतिहासिक जनसभा होगी।